हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल क्रेजी क्रेविंग्स। गार्लिक नान तो हम सब रेस्टोरेंट में खाते ही हैं और सबको बहुत पसंद भी होती है। तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ गार्लिक नान की रेसिपी बिना किसी तंदूर के। आप इसे घर पर ही झटपट तवे पर बना सकते हैं और आप इसे पनीर, दाल मखनी, छोले या अपनी मनपसंद किसी भी सब्जी के साथ इसे सर्व कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमने लिया है 2 कप मैदा, इसे हमने अच्छे से छान लिया है। अब हम इसी तरीके से बीच में थोड़ी सी स्पेस बना के इसके अंदर हम डालेंगे 1/2 चम्मच नमक, 1/2 चम्मच चीनी और 1 चुटकी हमने डाला है बेकिंग सोडा। और अब हम इसे अच्छे से पहले ड्राई इंग्रेडिएंट्स को मिक्स कर लेंगे और साथ ही हम इसमें डालेंगे 2 चम्मच रिफाइंड ऑयल। आप चाहें तो यहाँ पे आप मेल्टेड बटर भी डाल सकते हैं और इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये मोयन के लिए हमने डाला है, देखिए इस तरीके से ये अच्छे से मिक्स हो गया है। और अब हम इसे गूंदेंगे। गूंदने के लिए हमने लिया है दूध, इसे हम थोड़ा थोड़ा दूध डाल के अच्छे से गूंदेंगे। आप चाहें तो पानी से भी इसे गूंद सकते हैं, लेकिन दूध से गूंदने में इसका एक अच्छा फ्लेवर आता है। इसका हमें एक स्मूथ सा डो रेडी करना है। तो आप देख सकते हैं कि हमारा एक अच्छा सा सॉफ्ट सा डो रेडी हो गया है। अब इसको अच्छे से मसलें। हमारा डो रेडी हो गया है, ये देखिए। और अब हम इस पर हल्का सा ऑयल ब्रश कर देंगे और इसे 15 मिनट के लिए हम ढक के इसको रेस्ट करने के लिए देंगे। तो मैं एक बर्तन की हेल्प से मैंने इसे ढक दिया है और जब तक हमने इसको 15 मिनट रेस्ट करने के लिए दिया है, तब तक हम अपने जो गार्लिक्स हैं उनको छील के रेडी कर लेते हैं। तो लगभग 15 मिनट हो चुके हैं और ये हमने लहसुन को छील के एकदम इसको बारीक क्रश कर लिया है। और अब हम अपना जो डो है इसको देख लेते हैं और एक बार हम इसको दोबारा से और अच्छे से मसल लेंगे। कम से कम 2 मिनट तक हमें इसे मसलना है। तो आप देख सकते हैं हमारा डो बिल्कुल रेडी है। और अब मैं इसके छोटे छोटे बॉल्स यानी कि पेड़े बना के रख लूँगी, जिस साइज़ की आपको नान चाहिए। मुझे लगता है इतना काफ़ी है। तो इसको हम अच्छे से खूब मसल लेंगे हाथों से और इस तरीके से हम इसको रख देंगे। और सारे डो के मैं बॉल्स बना के या पेड़े बना के रेडी कर लेती हूँ। तो हमारे पेड़े बन के रेडी हैं। अब हम इसे थोड़ी देर 5 मिनट रेस्ट करने देंगे और उसके बाद हम इन्हें बेलना स्टार्ट करेंगे। तो लगभग 5 मिनट हो चुके हैं और हमारे जो पेड़े थे या जो हमने ये गोल बनाया था, ये भी काफ़ी अच्छे से सॉफ्ट हो गया है। तो चलिए अब हम इसे बेलना शुरू करते हैं। तो बेलने के लिए मैंने इसमें हल्का सा मैदा लगाऊंगी, हल्का सा झाड़ लिया है। और अब हम इसे बेलेंगे हल्के हाथों से। आप चाहें तो इसे ओवल शेप या राउंड शेप, जिस शेप के आप नान चाहें आप इसको शेप दे सकते हैं। तो हमने इसको बेल लिया है। और क्योंकि अगर आप गार्लिक नान नहीं बना रहे, नॉर्मल नान बना रहे हैं, तो आप इसको डायरेक्ट कर सकते हैं, लेकिन हम इसे गार्लिक नान बना रहे हैं तो हम इस पर डालेंगे गार्लिक अच्छे से। गार्लिक हमने ऑलरेडी क्रश करके रखा हुआ था, जैसे कि मैंने आपको बताया है। इस तरीके से हम इसे फैला देंगे और गार्लिक के बाद आप चाहें तो इसमें हरा धनिया भी डाल सकते हैं, वो भी बहुत अच्छा फ्लेवर देता है। लेकिन मैं यहाँ पे कसूरी मेथी यूज़ कर रही हूँ, हल्की सी कसूरी मेथी डाल दी है। और अब मैं इसे हल्का हल्का इस तरीके से बेलन से दबा दूँगी ताकि ये झड़े ना। हल्का सा प्रेस करना है ताकि जो हमारा कसूरी मेथी है और जो हमारे गार्लिक, क्रश्ड गार्लिक है, वो हमारा इसके साथ चिपक जाए। ये देखिए चिपक गया है। और अब मैं एक ब्रश ले लेती हूँ, ऑयल ब्रश, और उसको ऑयल में डिप करके मैं इसके ऊपर
हल्का हल्का ऑयल या आप मेल्टेड बटर भी यूज़ कर सकते हैं इस तरीके से। आप इसको ज़्यादा रगड़े ना यहाँ पे, क्योंकि अगर आप इसको ज़्यादा रगड़ेंगे तो जितना भी हमने गार्लिक और ये कसूरी मेथी लगाया है ये झड़ जाएगा। और जैसे ही हमने इसको ब्रश कर दिया है, एक फोक की हेल्प से मैं इसमें हल्का हल्का सा इस तरीके से निशान बना देती हूँ। तो ये देखिए, ये ऑलरेडी रेडी है एकदम अच्छे से। और अब मैंने, जब तक ये मैं इसको बना रही थी तब तक मैंने तवा भी रख दिया था साइड बाय साइड गर्म करने के लिए। नान एक स्पेशल चीज़ है, नान बनाते समय आप कभी भी नॉन स्टिक तवे का यूज़ ना करें, लोहे का या स्टील का या नॉर्मल तवा जो हम रोटी बनाने के लिए यूज़ करते हैं आप वो तवा यूज़ करें। और अब इसको किस तरीके से तवे पर रखना है वो मैं आपको बता देती हूँ। तो चलिए अब हम इसको उठाते हैं। इसको उठाने के लिए हम इसको बड़े ही प्यार से उठाएंगे, और ये जो हिस्सा जो हमने गार्लिक लगाया था और ऑयल लगाया था वो हमने लगाया अपने हाथ की तरफ। और ये देखिए, अब मैंने एक कटोरी में पानी लिया है और ये हिस्सा जो हमारा प्लेन था इस पर मैं लगा दूंगी अच्छे से पानी। पानी हम इसलिए लगाते हैं ताकि ये तवे पे अच्छे से चिपक जाए। तवे को हमने हाई फ्लेम पे रखा हुआ है ऑलरेडी गर्म करने के लिए। देखिए मैंने पूरा पानी इस पर लगा दिया अच्छे से। अब हम इसको डालेंगे, ये वाला जो हिस्सा है पानी वाला हिस्सा है इसे हम डायरेक्ट तवे पे रखेंगे। ये तवा हमारा अच्छे से गर्म हो गया है और अब ये देखिए, ये वाला हिस्सा मैं इस पे रखूँगी। और जब भी आप उसको रखें उसके बाद आप इसको अच्छे से दबा दें ताकि ये जो नान है आपकी, ये आपके तवे के साथ चिपक जाए। हल्का हल्का हम इसको प्रेस कर देंगे, ये देखिए, और लगभग एक मिनट के अंदर ही आपका ये रेडी हो जाएगा। हमने इसको चिपका दिया अच्छे से, और जब तक ये थोड़ा सा ऊपर पकता है हम इसका वेट कर लेते हैं। तो अब आप देखेंगे लगभग एक मिनट हो चुका है और ऊपर से आपको पहचान हो जाएगी कि अगर जैसे जैसे ये नान सूखने से लगेगी तब हम इसको पलट देंगे और हाई फ्लेम पे ही हम इसे इस तरीके से पकाएंगे। और आपको कहीं पे लगता है कि लहसुन या जो आपका कसूरी मेथी है अगर वो जल रहा है कोई इशू नहीं, वो बहुत अच्छा फ्लेवर देता है। और इस तरीके से घुमाते हुए ये देखिए, क्योंकि जो हमने इसके अंदर पानी जो लगाया था ना उसकी वजह से ये नान चिपकी हुई है, गिरेगी नहीं। आप हर कोने से इसको पकाएं हिलाते हुए, आप चाहें तो इस तरीके से भी घुमा सकते हैं। देखिए बहुत अच्छे से पक रहा है और हम थोड़ा सा घुमा लेते हैं। अगर यहाँ पे अगर आपको लगे कि आपकी नान गिर रही है तो नेक्स्ट वाली नान में आप थोड़ा पानी ज़्यादा लगाएं और उसको अच्छे से चिपका दें। फ्लेम हमारी हाई रहेगी, यहाँ पे लो फ्लेम में नहीं पक पाता अच्छे से। देखिए, और लगभग एक से डेढ़ मिनट में आपकी नान बिल्कुल बन के रेडी हो जाएगी। देखिए मेरी नान ये बन चुकी है। इस फ्लेम को मैं थोड़ा सा कम कर देती हूँ और ये देखिए बहुत ही टेस्टी गार्लिक नान आपकी रेडी है। और अब मैं इसको बता दूं, आप इसको एक नाइफ़ की हेल्प से इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। नाउ लुक एट दिस, कितना प्यारा नान हमारी बनके रेडी हुई है। तो चलिए मैं इसको निकाल लेती हूं और दूसरी नान भी हम इसी तरीके से बना लेंगे। तो ये देखिए हमारी गार्लिक नान बिल्कुल रेडी है और अब मैं इस पर लगा दूँगी बटर थोड़ा सा। ये मैंने बटर लिया है और ये हम इसके ऊपर अच्छे से लगा देंगे ताकि बहुत अच्छा सा एक फ्लेवर इसके अंदर आ जाए और फिर हम इसे सर्व कर देंगे। तो ये देखिए झटपट हमारे घर में बटर गार्लिक नान बिल्कुल रेडी है और आप इसे कभी भी अपने घर पे बना सकते हैं। होप आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी, आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है क्रेजी क्रेविंग्स। और बने रहिए मेरे साथ ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए हर वेडनेसडे एंड संडे। टिल देन थैंक यू फॉर वॉचिंग।